हेलो दोस्तों, सोचो कि आप अभी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो और कोई सीरियल किलर आपके ही फ़ोन से आप पर नज़र रखे हुए है। उसकी एक उंगली पर आपकी पल पल की खबर है। ऐसी है हमारी आज की कोरियन थ्रिलर मूवी। तो चलो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नामी नाम की लड़की को, जिसको फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी थी जैसे बॉलीवुड को रीमेक बनाने की लगी रहती है। खैर, नामी अपने दोस्तों के साथ बाहर एंजॉय कर रही थी, लेकिन तब भी उसका ध्यान गेम्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम इन सब की तरफ ही था। पूरे दिन घूमने फिरने के बाद वो बस से अपने अपार्टमेंट आ रही थी। फोन पर उंगलियां घिसने की वजह से वो काफी थक गई थी और बस में ही उसकी आंख लग गई, जिसकी वजह से उसका फोन वहीं गिर गया और इसका स्टैंड आने पर वो बस से उतर गई। बाद में उसके फोन को किसी ने उठा लिया। सुबह नामी की फ्रेंड जोई ने उसे कॉल किया तो वो फोन एक लड़के यंग के पास था। यंग ने बड़ी चालाकी से वॉइस चेंजर की मदद से जोई से लड़की बनके बात करने लगा और बताया कि फोन मुझे बस में मिला था। जोई जल्दी से नामी के पास गई और पूछने लगी, तेरा फोन कहाँ है? नामी एकदम से पागल हो गई कि उसका फोन कहाँ चला गया। फिर जोई ने दोबारा नामी के फोन पर कॉल की, तब यंग ने फिर से वॉइस चेंजर से उन्हें पागल बनाया। उसने कहा कि अगर अपना फोन लेना है तो आज शाम मुझे एक रेस्टोरेंट में मिल लेना। यहाँ वो फोन का लॉक खोलने की भी कोशिश कर रहा था, पर उससे लॉक नहीं खुला, इसलिए उसने फोन की स्क्रीन ही तोड़ दी। सीन शिफ्ट हुआ और जंगल में आया, जहां डिटेक्टिव जीमैन को एक लड़की की लाश बहुत बुरी हालत में मिली। डिटेक्टिव जीमैन जंगल में छानबीन करने गए तो वहां एक पेड़ पर उन्हें अपने बेटे यूंग नाम का बोर्ड दिखा। असल में उनका बेटा 7 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। तब से उनकी अपने बेटे से बात नहीं हुई, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा यंग ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ नामी अपने पापा के कैफे में आ गई। उसके पापा एक कैफे चलाते थे और नामी उनका हाथ बटाती थी। उनके कैफे पर नामी के लिए एक फोन आया, जिसमें फीमेल वॉइस यंग ने कहा कि तुम्हारा फोन मैंने एक रिपेयरिंग शॉप में दे दिया है, क्योंकि गलती से मुझसे तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई। तुम शॉप का एड्रेस लिखो और वहां से अपना फोन ले लेना। शाम होते ही नामी रिपेयरिंग शॉप पर पहुंच गई, जहां एक मास्क पहने लड़के ने उसका फोन ठीक करने के लिए एक फॉर्म भरवाया। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ फोन का पासवर्ड भी देना था। नामी ने बिना सोचे पासवर्ड भी लिख दिया। अब इस लड़के ने फोन की स्क्रीन चेंज की और इस फॉर्म से पासवर्ड देखने लगा। उसने फोन का लॉक खोला और फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिसके बाद नामी अपना फोन लेके वहां से चली गई। लेकिन ये लड़का यंग ही था, जिसने नामी के फोन को अपने एक दूसरे फोन से कनेक्ट कर दिया था। मतलब जो जो नामी के फोन में होगा सब कुछ यंग देख सकता है। यंग शाम को नामी के कैफे में पहुंच गया, जहां उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और नामी की फेवरेट गेम पबजी खेलने लगा। नामी उसका ऑर्डर लेके आई और तब यंग उससे इधर उधर की बातें पूछने लगा। उसने कहा, मैं आपका रेगुलर कस्टमर था। नामी के डैड ने भी नामी और यंग को बात करते देख लिया, पर उन्होंने नामी को कुछ नहीं कहा। शाम को डिटेक्टिव जीमैन अपने घर पर आया और अपनी बीवी का फोन चेक करने लगा, जिसमें उसकी बीवी ने उसके बेटे से बात की हुई थी कि यंग कहीं और जा चुका है। उसने फोन से यंग का नंबर निकाल लिया। दूसरी तरफ यंग नामी के फोन की सारी एक्टिविटी देख रहा था, यहाँ तक कि वो फोन के कैमरे से नामी को लाइव भी देख सकता था। उसने यूपीएससी के नोट्स की तरह नामी की हर एक डिटेल के नोट्स बना लिए, जैसे उसका ऑफिस, उसका रूम कोड वगैरह सब कुछ। उसने अपने नोट्स में ये तक लिखा था कि आखिर नामी को उसके किन किन लोगों से दूर करना है। साथ ही उसने नामी के नाम पर 9th नंबर लिखा हुआ था। ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे। यंग के लैपटॉप पर उसी लड़की की वॉलपेपर थी जिसकी लाश हमने जंगल में देखी थी। उसने वॉलपेपर चेंज करके अब नामी की फोटो लगा दी। नामी कैफे के साथ साथ एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में भी काम करती थी। उसकी बॉस वहाँ आई, जो उसके काम से काफी खुश थी, इसलिए उसने नामी की सैलरी डबल कर दी। लेकिन उसने मना किया कि ये बात दूसरे किसी एम्प्लॉय को मत बताना।
पर युंग तो ये सब सुन रहा था। नामी अपने ऑफिस में थी, लेकिन युंग नामी के घर में घुस चुका था। वो उसका सारा सामान देखने लगा, तभी उसको वहाँ एक फोन भी दिखा। यहाँ डिटेक्टिव जेमैन ने अपनी बीवी के फोन से युंग का नंबर निकाल कर ट्रेस करवा लिया था। ट्रैकिंग लोकेशन की मदद से वो युंग के रूम तक पहुँच गए। उसने दरवाजे को तार से खोला और वहाँ सारा सामान टटोलने लगे। जेमैन को वहाँ काफी एविडेंस मिले, जैसे बहुत सारे फोन्स, फेक आईडी और युंग की डायरी में तो लड़कियों की डिटेल वगैरह सब कुछ थी। उन सारे सबूतों से ये साफ हो रहा था कि युंग ही लड़कियों को मारता था। तभी कमरे के बाहर युंग भी आ गया। उसने देखा कि नीचे एक तार गिरा हुआ है। फिर बाहर आकर उसने खिड़की से झांका तो देखा कि जीमैन उसके कमरे में छानबीन कर रहा है। तभी जीमैन के फोन पर उसकी एक लाइव फोटो आई। जीमैन समझ गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो बाहर आया और युंग को ढूंढने लगा। पर जब वो फोटो एंगल के हिसाब से एक जगह पहुंचा तो देखा कि वहां सिर्फ कैमरा सेट था और युंग फोन हैक करके उसी फोन से मैसेज भेज रहा था। जीमैन वापस कमरे की ओर भागा, लेकिन तब तक वहाँ युंग सारे सबूत मिटा के वहां से भाग चुका था। युंग वहां से निकल कर नामी के कैफे में आया, जहां उसने फिर से एक ड्रिंक ऑर्डर की और उसके डैड से भी कहा कि मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। लेकिन नामी के डैड को पता था कि ये कोई रेगुलर कस्टमर नहीं है। वहां नामी भी बैठी हुई थी, जिसे युंग बातें करने लगा। नामी के डैड वो ड्रिंक लेके आए और गुस्से में टेबल पर रख दी। घर आते वक्त नामी के डैड ने उससे कहा कि तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए, मुझे वो कुछ सही नहीं लगता, वो एक बहुत बड़ा झूठा है क्योंकि वो कोई हमारा रेगुलर कस्टमर भी नहीं है। ये सब बातें युंग नामी के फोन की मदद से सुन रहा था। नामी ने अपने डैड की कोई बात नहीं सुनी और अपने अपार्टमेंट में चली गई। उस रात उसके अपार्टमेंट में उसकी दोस्त जोए भी रहने आ गई थी। नामी के डैड भी अपने घर आ गए। जब वो घर पहुंचे तब नामी का उनके फोन पर मैसेज आया कि इस लिंक से एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, लेकिन ये मैसेज नामी के फोन से युंग ही भेज रहा था। उसने उसके डैड के फोन में वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा दिया और कुछ देर बाद नामी के डैड के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें उसके घर के बाहर एक कोरियर रखा था। उसके डैड बाहर आए और देखने लगे, तभी पीछे से युंग ने उन पर हमला कर दिया और अंदर लाकर उसके डैड को बांधने लगा। दूसरी तरफ जंगल में एक साथ सात लड़कियों की लाशें मिली। डिटेक्टिव जीमैन के दिमाग की दही हो गई कि आखिर युंग चाहता क्या है। अगली सुबह नामी की एकदम से आंख खुली। उसने देखा कि आज अलार्म नहीं बजा। उसने टाइम देखा तो जल्दी से वो ऑफिस के लिए निकल गई। कार में उसने अपना फोन चेक किया तो उसके फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे। असल में युंग ने उसके फोन से ये रिवील कर दिया था कि बॉस ने नामी की सैलरी डबल कर दी है। उसने उसकी इंस्टा आईडी से कंपनी और बाकी एम्प्लॉयज के बारे में बहुत बुरा भला लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। नामी जैसे ही ऑफिस पहुंची सब उससे नाराज थे। नामी ने कहा कि शायद मेरा फोन हैक हुआ है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और बॉस ने तो उसे धक्का दे के जॉब और ऑफिस दोनों से निकाल दिया। यहाँ जोई भी उसके पास आ गई और वो दोनों साइबर सिक्योरिटी ऑफिस गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ युंग ने नामी के डैड को बांध कर रखा हुआ था। उसने उसके पापा के फोन से नामी को मैसेज किया कि आज वो कैफे नहीं आएंगे। नामी और जोई कैफे में बैठकर बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी वहाँ युंग आ गया। उन दोनों ने युंग को सब बता दिया। युंग ने कहा कि मैं तुम्हारा फोन चेक करता हूँ। उसने चेक करके बताया कि हाँ, तुम्हारा फोन हैक हुआ था और वो नामी को बाहर कोने में लाकर कहने लगा कि ये काम वही कर सकता है जिसको तुम्हारे बारे में सब पता हो और जो तुम्हारे साथ रहता हो। ये सुनकर नामी का शक जोई पर चला गया क्योंकि कल रात जोई उसके घर पर आई थी। नामी कैफे में आई और जोई पर इल्जाम डाल दिया कि उसने ही ये सब किया है। ये सुनकर जोई वहां से रोते हुए चली गई। यहाँ डिटेक्टिव जीमैन जंगल में मिले एविडेंस की मदद से युंग की रिपेयर शॉप पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे फॉर्म थे और वो सभी फॉर्म उन्हीं लड़कियों के नाम से थे जिनकी लाश उन्हें जंगल में मिली। उन्हें वहाँ नामी नाम का फॉर्म भी मिला। घर पर नामी जोई से दोस्ती टूटने की वजह से रो रही थी
और गुस्से में उसने अपना फ़ोन फेंक दिया। फ़ोन फेंकते ही उसको याद आया कि जब उसका फ़ोन टूटा था तब उसका फ़ोन रिपेयर शॉप वाले ने खोला था, इसलिए वो उस शॉप पर पुलिस को लेके आ गई। शॉप पर डिटेक्टिव जेमन तो पहले से ही थे। जेमन और नामी के बीच बात हुई। जब जेमन ने पूछा कि क्या तुम किसी युंग नाम के आदमी को जानती हो, नामी ने हाँ में जवाब दिया और तब वो समझ गए कि इन सब के पीछे युंग का ही हाथ है। नामी ने प्लान किया कि क्या होगा अगर मैं उसको अपने घर बुला लूं, वहां आप लोग भी आ जाना और उसको रंगे हाथ पकड़ लेना। नामी ने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और युंग को मैसेज करके कहा कि मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे घर पर आ सकते हो। युंग उसके घर आने के लिए मान गया। शाम को युंग नामी के घर तो पहुंचा, लेकिन उसने अपना हुलिया बदल लिया था। डिटेक्टिव जेमन ने भी युंग को पकड़ तो लिया, लेकिन युंग ने कहा कि कौन युंग, मैं कोई युंग नहीं हूँ और आप एक नागरिक पर गन कैसे तान सकते हो, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। ये देखकर दूसरे डिटेक्टिव ने उसे जाने दिया। युंग समझ गया कि नामी ने उसे फंसाने के लिए ही ये सब प्लान किया था। डिटेक्टिव ने नामी का फोन चेंज करवाया ताकि युंग उस पर नजर ना रख सके और उन्होंने नामी को उसके डैड के घर छोड़ दिया। साथ ही उसे अपना कार्ड देते हुए कहा कि कोई भी खतरा लगे तो हमें कॉल कर लेना। नामी ने कहा कि अगर मैंने कोई मैसेज नहीं किया तो आप समझ जाना कि जरूर कुछ हुआ है, इसलिए मैं आपको मैसेज करती रहूंगी। वो जब अपने घर में गई तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। काफ़ी रात हो चुकी थी इसलिए वो अपने रूम में चली गई। जब उसको युंग का मैसेज आया कि ओ नामी, तुम्हें एक नया फ़ोन मिल गया। नामी ने उस नंबर पर कॉल की तो फ़ोन की रिंग घर में ही आ रही थी। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन उसका फ़ोन खुद ब खुद चल रहा था। वो समझ गई कि उसके इस फ़ोन में भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तभी उसने एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें उसके पापा उसे कार में युंग से दूर रहने को कह रहे थे। वो भाग कर आई तो देखा युंग वहीं था। नामी ने अपने डैड के बारे में उससे पूछा, लेकिन युंग ने उसे कहा कि पहले डिटेक्टिव को मैसेज कर दो कि यहाँ सब ठीक है और अब मैं कल कॉन्टेक्ट करूँगी। नामी ने यही मैसेज कर दिया और गुस्से में वो डिटेक्टिव का कार्ड भी वहीं फेंक दिया। उसने फिर से पूछा, मेरे डैड कहाँ हैं। युंग बोला, वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे हल्का होने जाना है। ये कहकर वो बाथरूम में चला गया। नामी भी एक रॉड लेके बाथरूम के बाहर खड़ी हो गई। तब उसने देखा कि उसके पापा अंदर बाथटब में बंधे हुए हैं। वो अंदर आई तो वहाँ युंग पहले से ही बैठा हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम अपने पैर बांध लो। और फिर उसने नामी के हाथ भी बांध दिए। उसने नामी के मुंह पर टेप लगाई और उसको भी बाथटब में डाल दिया। उसने बाथटब की टंकी खोल दी जिससे वो दोनों डूबकर वहीं मर जाए। युंग ने नामी की फोटो ली और अपनी वॉलपेपर पर लगा के बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसने डिटेक्टिव का वो कार्ड उठाया और देखा कि कार्ड के पीछे लिखा था, नो मैसेज ओनली कॉल्स। डिटेक्टिव को मैसेज करने का मतलब ये था कि नामी खतरे में है और युंग ने तो खुद ही नामी से मैसेज करवा दिए थे। वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ पहुँच गए और युंग को गन पॉइंट पर भी ले लिया। जेमन ने उसके चेहरे पर बंदूक ही बंदूक मारनी शुरू कर दी। यहाँ बाथटब में ये दोनों डूब रहे थे, तभी वहाँ दूसरे डिटेक्टिव आए और उन दोनों को पानी से बाहर निकाल दिया। नामी तो होश में आ गई थी, लेकिन उसके डैड बिल्कुल बेहोश थे। और तभी इस मूवी का एक और ट्विस्ट खुला कि ये युंग जेमन का बेटा नहीं है, बल्कि उनके बेटे को तो इस किलर ने 7 साल पहले ही मार दिया था और उसका पहला शिकार युंग ही था, जिसके बाद वो खुद युंग बनकर लड़कियों को मारने लगा। या नामी के डैड को भी होश नहीं आ रहा था, साथ ही उसको उस किलर का चेहरा देखकर ही घिन आ रही थी। वो खड़ी हुई और डिटेक्टिव की गन निकालकर उस किलर पर गोलियां ही गोलियां बरसा दी। डिटेक्टिव जेमन ने उसके हाथ से गन ले ली ताकि नामी पर कोई इल्ज़ाम न आए, और यहाँ उसके पापा को भी होश आ गया था। अब इस केस की खबर आग की तरह फैलने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद एक शख्स एक ग्रुप में चैटिंग कर रहा था कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, और फिर उसने नामी की फ़ोटो भी क्लिक करी, जिसका मतलब नामी के पीछे अभी और भी लोग पड़े हुए हैं। पक्की है कि इस मूवी का सेकेंड पार्ट ज़रूर आएगा।
वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, इसलिए लाइक कमेंट ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।